अगर जल है तो उसमें खाली प्रखनली को रख देंगे तो उसका तल जो है चमकीला दिखाई देगा। दूसरा नंबर है कांच में पड़ी दरारों का चमकना, ये दोनों हो गया। नंबर तीन देखेंगे कि क्या है नंबर तीन रेगिस्तान की मिर्चिका। तो रेगिस्तान की मरीचिका आपने पढ़ा होगा पीछे, बहुत दस में भी है, इसका मतलब यहाँ भी आया है। तो इसका मतलब देखेंगे रेगिस्तान की मरीचिका क्या होती है, मरीचिका क्या है। तो कहने का मतलब यही है कि रेगिस्तान में जो यात्री होते हैं दूर से अगर पेड़ को देखते हैं तो उस पेड़ को जो देखते हैं तो उसको उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो कहने का मतलब यही है, तो वहाँ जो है यात्री को तुरंत भ्रम हो जाता है, तुरंत आभास हो जाता है कि वहाँ जो है कोई तालाब है, लेकिन ऐसा है नहीं, कहानी कुछ और है। कहने का मतलब यही है कि रेगिस्तान में जो मरीचिका है जब दूर से यात्री पेड़ को देखता है तो उस पेड़ का उसे उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तुरंत उसे आभास होता है कि कोई तालाब है, लेकिन वास्तव में कोई तालाब होता नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, तो होता क्या है कि जब रेगिस्तान का जो रेत होता है उसका मतलब है वो बहुत गर्म हो जाता है, तो जब रेगिस्तान का रेत गर्म हो जाता है तो उसके पास की जो वायु है वो भी गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब है, लेकिन ऊपर जाने पर नीचे वाली परत अधिक गर्म हो जाती है, उसके ऊपर जाने पर उसका तापमान जो है ठंडा होता जाता, मतलब ऊपर जाएंगे तो आपका तापमान जो है घटता जाता है, मतलब प्रति डिग्री से तापमान घटेगा। तो कहने का मतलब यही है कि नीचे वाली जो परत है इसका मतलब नीचे वाली परत है क्या है, ये नीचे वाली परत, ये जो रेत है इससे गर्म हो जाता है। तो नीचे वाली परत का जो है गर्म होने से जो गर्म हो गई वायु नीचे वाली परत की, जी नीचे वाले जो वायु है रेगिस्तान मतलब रेत से, ये परत वायु की परत गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाती है तो इसका मतलब है गर्म हो गई, तो यही परत विरल माध्यम का काम करने लगी। कहने का मतलब यही है कि जहाँ भी वायु की परत गर्म हो जाए वायु की परत जहाँ, मतलब है यहाँ देखिए बालू रेत के कण से वायु की परत गर्म हो गई, तो इसका मतलब है कि यह विरल माध्यम का काम करने लगी। ऊपर की परत इसका मतलब है आप ऊपर जाएंगे इससे तो क्या होगा, ठंडा होगा नहीं, तापमान घटेगा। कैसे घटेगा तापमान, इसका मतलब ये सघन माध्यम का काम करने लगी। तो क्या होगा कि जब यही प्रकाश की किरण क्या होगी, तो अगर नीचे की तरफ आएगी प्रकाश की किरण नीचे की तरफ आएगी तो नीचे वाली परत क्या है, तो नीचे वाली परत ही है कि वायु जो है रेत से गर्म हो जाता है, तो नीचे वाली परत जो है गर्म हो जाती है, इसका मतलब विरल माध्यम का काम कर दी। तो कंडीशन यही है, प्रकाश की किरण जब नीचे आती है तो विरल माध्यम मिलता है, तो विरल माध्यम में क्या करती है प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से दूर हटेगी प्रत्येक परत पर क्या होगा, कंडीशन बदलेगी, प्रत्येक परत पर क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, एक विशेष स्थिति ऐसी आएगी इसका मान आपतन कोण से बड़ा होगा, यही किरण इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होगा तो यही किरण क्या करती, ऊपर की तरफ उठने लगती है। जब ऊपर की तरफ उठती है तो ऊपर उसे मिलता है सघन माध्यम, तो सघन माध्यम में जब पहुंचती है तो यही प्रकाश की किरण सघन माध्यम में व्यवहार क्या करती है, इसी का व्यवहार अब क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यही किरण जब जाती है, यही किरण जिस यात्री की आंख में प्रवेश करती है उसे इस तरह का भ्रम दिलाती है, यानी इस तरह का उसे भ्रम में महसूस होता है, या भ्रम उसे महसूस होता है कि क्या होता है कि वहां पर रेगिस्तान की मिर्चिका यानी दूर से जब यात्री देखता पेड़ को तो उसका उल्टा प्रतिबिंब उसे दिखाई देता है। कहने का मतलब यही कहानी है इसके पीछे, कि यही इसकी कहानी है कि रेगिस्तान की मिर्चिका यही होती है। अगली हेडिंग जो है ठंडे देशों की मिर्चिका, अब देख लेंगे कि ठंडे देशों की मरीचिका क्या होती है, ठंडे देशों की मरीचिका, तो ठंडे देशों की मरीचिका, तो देख लेंगे ठंडे देशों की मरीचिका, मतलब ठंडे देश
ठंडे प्रदेश या बर्फ के क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति दूर से वस्तु को देखता है तो उसका वायु में उल्टा हुआ प्रतिबिंब लटका हुआ दिखाई देता है। कहने का मतलब यही है कि नीचे वाली अब नीचे का जो बर्फ के कारण नीचे वाली परत जो होती है वायु की, वह जब बर्फ के कारण ठंडी जो चीज़ ठंडी मतलब यहाँ बर्फ वायु क्या जहाँ वायु ठंडी महसूस होती है वहाँ माध्यम बन जाता है सघन। तो यहाँ सघन का काम करने लगी। और ऊपर वाली परत क्या है, ऊपर वाली परत एकदम ठंडी है, इसका मतलब ये बिरल का काम करने लगी, बिरल का काम कर रही है, बिरल माध्यम। यही है जब कोई वायु या जहाज जब समुद्र में तैरता है, समुद्र में जब तैरता है तो उससे प्रकाश की किरण जब ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जब जाती है तो ऊपर का माध्यम क्या होता है, ऊपर का माध्यम बिरल मिलता है। तो बिरल माध्यम पर क्या होगा, प्रत्येक परत पर क्या होगा, ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी, माने प्रत्येक परत पर इसका आपतन कोण का मान बढ़ेगा। एक कंडीशन ऐसी आती है इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से होगा तब क्या करेगी, ये किरण नीचे की तरफ आने लगती है। जब यही व्यक्ति जब इस प्रकाश की किरण को देखता है तब उसे वायु में उल्टा हुआ लटका प्रतिबिंब दिखाई देता है। नीचे वाली परत ठंडी है, भारी है, चलायमान नहीं है, इसका मतलब नीचे की जो परत है वह स्थिर बनी रहेगी, चलायमान नहीं है क्योंकि ये परत जो है भारी है। तो इसका मतलब है ठंडे देशों की मिर्च का यही होती है।